हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ट्रेडिशनल लॉजिक सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस, इट्स मीनिंग एंड टाइप्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो आज के लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक जो है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो रहेगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस। सो लेट्स बिगिन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, तो पहले स्क्वायर को देखें अगर, तो स्क्वायर का मतलब क्या रहता है? कोई भी ऐसी फिगर जिसकी चार साइड्स हों और जो चारों साइड्स हैं उनके 90 डिग्रीज के एंगल हों, क्लियर? जैसे एक बॉक्स होता है बिल्कुल पूरा, उस तरह से, दैट इज स्क्वायर। अब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक्चुअली हम ये क्या एक डायग्राम है लॉजिक में जो यूज की जाती है, उसको क्रिएट अपोजिशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं। अब बेसिकली स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में जो बेसिक डाटा हम यूज कर रहे हैं वो हैं कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। वो कल के लेक्चर में हमने देखी थी, जैसे यहाँ भी स्क्रीन पे आपको दिखा नजर आ रहा होगा ए ई आई एन ओ, ये चार टाइप की कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस होती हैं और इन्हीं को यूज करके हम क्या बनाते हैं? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, क्लियर? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, और देन हम क्या करते हैं? उनके रिलेशंस देखने की कोशिश करते हैं, जो कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस हैं उनके रिलेशंस आपस में। पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर लेंगे, देन हम उनको स्क्वायर्स को, जैसे कि स्क्वायर की चार साइड्स होती हैं, चार एज होते हैं, तो हर एक एज को हम एक पॉइंट दे देंगे ए ई आई एन ओ। देन हम क्या करेंगे, जो ए ई आई ओ है उसका रिलेशन स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्लियर? कि एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव और एक यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन के बीच क्या रिलेशन होता है, तो ये मेन टारगेट है हमारा यहाँ पे, क्लियर? सो स्क्रीन पे जो आपको फिगर नज़र आ रही है ये है स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस, क्लियर? पहले आपको एक स्क्वायर ड्रा करना है, देन आपको सेंटर में लाइन ड्रा कर देनी है, क्लियर? देन क्या करना है, ए ई आई एन ओ से इसको डिनोट कर दो। ए का मतलब क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, मतलब ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, ए। ई का मतलब क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव, मतलब नो ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। आई का मतलब क्या है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यहाँ पे क्या रहेगा? सम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। और ओ क्या है? पर्टिकुलर नेगेटिव, इसका मतलब क्या रहता है? सिंपल सा, सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट मॉर्टल, क्लियर? ये आपका बन चुका है स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस। अब जो ए और ई है, ए और ई मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव, अगर कोई भी ऐसी दो प्रपोजिशंस हम ले लें ए और ई, ए प्रपोजिशन कौन सी होती है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और ई प्रपोजिशंस कौन सी होती हैं? यूनिवर्सल नेगेटिव, तो उनके बीच कौन सा रिलेशन होगा? कॉन्ट्ररी। कौन सा रिलेशन बोला जाएगा? कॉन्ट्ररी, मतलब दो प्रपोजिशंस के बीच का जो रिलेशन है ए और ई के बीच वो कॉन्ट्ररी होता है। देन अब सबसे डाउनवर्ड अगर देखें हम, आई और ओ, एक तरफ आप बोल रहे हैं सम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल और दूसरी तरफ बोल रहे हैं सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट मॉर्टल, मतलब पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव में कौन सा रिलेशन होता है? सब कॉन्ट्ररी। कौन सा? सब कॉन्ट्ररी, मतलब आपने दो प्रपोजिशन ली हैं, एक प्रपोजिशन आपकी है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, जैसे हमने एग्जांपल ली सम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, और एक प्रपोजिशन आपने ली ओ, दैट इज पर्टिकुलर नेगेटिव, कि सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट मॉर्टल्स। जब कभी भी ऐसी प्रपोजिशन आपको दिखें कि सम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल एंड सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट मॉर्टल्स, उन दोनों प्रपोजिशन के बीच जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है? सब कॉन्ट्ररी। तो थर्ड जो रिलेशन हम अब देखेंगे वो क्रॉस करके देखेंगे इसको, ए का ओ के साथ और आई का ई के साथ। ए का ओ के साथ कैसे हुआ? मतलब एक जो प्रपोजिशन है वो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव और दूसरी जो प्रपोजिशन वो क्या है? पर्टिकुलर नेगेटिव। ए और ओ, ए क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव और ओ क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव। तो ये कौन सा रिलेशन बनेगा? कॉन्ट्राडिक्टरी। और अगर आप आई और ई को देखें, अब एक प्रपोजिशन है पर्टिकुलर अफर्मेटिव और दूसरी प्रपोजिशन है यूनिवर्सल नेगेटिव, तो जब कभी भी आपको कोई ऐसी दो स्टेटमेंट दिखे जहां एक जो स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो, जैसे हमने बोला सम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, और दूसरी स्टेटमेंट क्या हो? यूनिवर्सल नेगेटिव कि नो ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, तो उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्राडिक्टरी। और लास्ट जो रिलेशन है वो है सबअल्टरनेशंस, जैसे ए का आई के साथ और ई का ओ के साथ। यहाँ पे क्या होता है? क्वालिटी दोनों की सेम होती है और क्वांटिटी अलग होती है, मतलब एक यूनिवर्सल और एक पर्टिकुलर है, बट है दोनों अफर्मेटिव,
ए और आई को अगर हम देखें, अगर ई और ओ को देखें, यहाँ भी क्या है, क्वालिटी सेम है, दोनों नेगेटिव है, एक पर्टिकुलर नेगेटिव है, एक यूनिवर्सल नेगेटिव है, बट क्वालिटी दोनों की सेम है नेगेटिव, और क्वांटिटी में दोनों अलग हैं। क्लियर? तो चलिए वन बाय वन हम इन चारों रिलेशंस को देख लेते हैं। पहले अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो मतलब हमने सिर्फ एक ही वर्ड सुना हुआ है, कॉन्ट्राडिक्टरी। कुछ भी उल्टा पुल्टा हो, कोई बोले ना, हम क्या बोलते हैं, आप कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हो। हमने कभी नहीं बोला कि आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी है, हमने कभी नहीं बोला आपकी स्टेट सब कॉन्ट्ररी है। हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब जब भी हमें लगे कोई हमें बातों में उलझा रहा है, पहले उसने कुछ बोला था अभी कुछ बोल रहा है, हम क्या वर्ड यूज करते थे कि आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, आप सही नहीं बोल रहे हैं। बट हर बार जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती है, कुछ टाइम स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी होती है, कभी कभी स्टेटमेंट सब कॉन्ट्ररी होती है, और कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। क्लियर? इसे मतलब जो स्केयर ऑफ अपोजिशन है, ये हम हमारे सामने और पॉसिबिलिटीज रख रहा है कि हम कैसे चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन कब कैसे बोल रहा है, उसको हम कैसे लॉजिकली बात का उसका एनालिसिस कर सकें। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट वन शुरू करते हैं, कॉन्ट्ररी। और जो कॉन्ट्ररी है ये रिलेशन किसके किसके बीच एग्जिस्ट करता है, ए और ई के बीच। ए क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और ई क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव। मतलब जब कभी भी आपको दो स्टेटमेंट दिखें, एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव और एक यूनिवर्सल नेगेटिव, उनके बीच जो रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन होगा, कॉन्ट्ररी का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कॉमन सी एग्जाम्पल लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, जैसे लड़कियों की बात करूँ, जो लड़कों की बात कर लो कोई भी है, जैसे लड़कों की बात करते हैं, सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं। अच्छा, एक लड़की ऐसे बोलेगी ना दूसरी के, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं, सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। तो ये जो जब हम इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, इस तरह की जो प्रपोजिशन यूज करते हैं, तो ये क्या रहती है, कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट होती हैं। क्या हो जाती है, ये कॉन्ट्ररी। जब हम बोलते हैं सारे मर जाएंगे, कोई भी नहीं मरेगा, तो ये क्या कौन सी स्टेटमेंट है, कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट। सो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट का जो रूल्स है वो क्या बोलता है, कि जो दो स्टेटमेंट जब कॉन्ट्ररी हों, वो दोनों कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकती हैं। जैसे ही आप एक को ट्रू कंसिडर करेंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। क्लियर? टू प्रपोजिशंस आर सेड टू बी कॉन्ट्ररी इफ दे कैनॉट बोथ बी ट्रू, दैट इज इफ द ट्रूथ ऑफ वन इम्प्लाइज द फॉल्सिटी ऑफ द अदर। Thus, all S is P and no S is P cannot both be true, but they can both be false. So, दोनों ये एक साथ true तो नहीं हो सकती हैं, but दोनों एक साथ false हो सकती हैं. So, the traditional account of categorical prepositions held that universal prepositions, that is, universal affirmative and universal negatives, having the same subject and predicate terms, what differing in quality. एक अफर्मेटिव होती है और दूसरी क्या होती है, नेगेटिव। जब कभी भी ऐसा होगा, जब कभी भी आपके पास एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन होगी, एक यूनिवर्सल नेगेटिव होगी, वहां पे दोनों एक साथ कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, दोनों स्टेटमेंट कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकती है। जैसे आप एक को ट्रू कंसिडर करेंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। दोनों फॉल्स हो सकती है, बट दोनों ट्रू नहीं हो सकती। क्लियर? ये था कॉन्ट्ररी। सो सेकेंड जो रिलेशन है जिसे हम देखेंगे अब, वो है सब कॉन्ट्ररी। अब सब कॉन्ट्ररी में बेसिकली होता क्या है, द ट्रेडिशनल अकाउंट हेल्ड दैट पर्टिकुलर प्रपोजिशंस, मतलब पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव, हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स, व्हाट डिफरिंग इन क्वालिटी। एक अफर्मेटिव होती है और एक नेगेटिव है, दोनों पर्टिकुलर हैं, बट एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव है। जब कभी वैसा होगा तो उसे कौन सी स्टेटमेंट बोला जाएगा, सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स, कि दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स बट एक अफर्मेटिव हो और एक नेगेटिव हो, उन्हें उसका जो रिलेशन बनेगा वो कौन सा होगा, सब कॉन्ट्ररी। अब सब कॉन्ट्ररी रिलेशंस में होता क्या, अब मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल लें, सम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल एंड सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट मॉर्टल। हम बोलते हैं कुछ लोग चोर होते हैं, कुछ लोग चोर नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो जब कभी भी हम ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, तो ये कौन सी स्टेटमेंट होती है, सब कॉन्ट्ररी। सो सब कॉन्ट्ररी में रूल क्या कहता है, कि ये दोनों स्टेटमेंट कभी भी एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, बट दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं। मतलब कॉन्ट्ररी का अपोजिट है, कॉन्ट्ररी में दोनों ट्रू नहीं हो सकती थी, फॉल्स हो सकती थी, बट यहां पे दोनों फॉल्स हो सकती हैं, सॉरी ट्रू हो सकती हैं बट फॉल्स नहीं हो सकती। सब कॉन्ट्ररी में क्या है, दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं but cannot be false together. So two prepositions are said to be subcontrary if they cannot both be false, although they may both be true. So subcontrary में क्या होता है, दोनों statement एक साथ true हो सकती हैं but दोनों कभी भी false नहीं हो सकती।
तो मतलब ये कॉन्ट्रेरी का बिल्कुल अपोजिट है। कॉन्ट्रेरी में क्या था कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, दोनों फॉल्स हो सकती हैं। सो जैसे हमने एग्जांपल ली कि सम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल एंड सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट मॉर्टल, सम ह्यूमन बींग्स आर लायर्स एंड सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट लायर्स, ये कभी भी दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। हम बोलते हैं सारे लोग झूठ थोड़े लोग झूठ बोलते हैं, थोड़े लोग झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकती हैं बट दोनों कभी फॉल्स नहीं हो सकती, दैट इज सब कॉन्ट्रेरी। एंड द थर्ड वन इज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स और प्रपोजिशंस। तो कोई स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी कब होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है ए और ओ एंड आई और ई, तो मतलब जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती हैं वहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी भी अलग होती है और क्वालिटी भी अलग होती है। अगर एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव है तो दूसरी यूनिवर्सल पर्टिकुलर नेगेटिव चाहिए, मतलब वो क्वालिटी में भी अलग है और क्वांटिटी में भी अलग है। आप हमने कॉन्ट्रेरी में क्या देखा था कि उनकी क्वांटिटी सेम थी बट क्वालिटी डिफर थी, और हमने सब कॉन्ट्रेरी में क्या देखा, उनकी क्वांटिटी सेम थी क्वालिटी डिफर थी। बट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेंज हो जाती हैं। अगर ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव है तो ओ पर्टिकुलर नेगेटिव होनी चाहिए, अगर आई जो है, अगर एक प्रपोजिशन पर्टिकुलर अफर्मेटिव है तो दूसरी यूनिवर्सल नेगेटिव चाहिए। इसलिए मतलब जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं ये वो स्टेटमेंट होती हैं जिसमें जो क्वांटिटी और क्वालिटी है दोनों चेंज हो जाती है। जैसे हमने बोला ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, तो मतलब ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। और जैसे हम दूसरी स्टेटमेंट दे रहे हैं सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट मॉर्टल, तो ये इसका अपोजिट है बिल्कुल। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है इसका कि सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट मॉर्टल, मतलब जब भी आपको कोई बोले कि आपको कॉन्ट्राडिक्टरी ढूंढना है, एक तरफ आप बोलते हैं सारे इंसान मर जाते हैं, आप बोलते हैं कुछ इंसान नहीं मरते हैं। तो जब कोई ऐसा बोले कि सारे लोग झूठे होते हैं, हाँ वो झूठ नहीं बोलता, तो वो स्टेटमेंट क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। ये कौन सी स्टेटमेंट होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी। सो जो दो प्रपोजिशंस हैं उन्हें कॉन्ट्राडिक्टरी कब बोला जाता है, सो टू प्रपोजिशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी इफ वन इज डिनायल और नेगेशन ऑफ द अदर, दैट इज इफ दे कैनॉट बोथ बी ट्रू एंड बोथ बी फॉल्स। सो ऑल एस इज पी इज कॉन्ट्राडिक्टर बाय सम एस इज नॉट पी एंड नो एस इज पी इज कॉन्ट्राडिक्टर बाय सम एस पी। तो मतलब बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी में होता है क्या, ना तो दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं कभी और ना दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं। दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर एंड बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। कॉन्ट्रेरी में हमने क्या था देखा था, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, दोनों फॉल्स हो सकती हैं। सब कॉन्ट्रेरी में क्या देखा, दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं बट दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। और अब कॉन्ट्राडिक्टरी में हम क्या देख रहे हैं, ना तो दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं ना ही दोनों एक साथ कभी फॉल्स हो सकती हैं। कभी आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट मिले जो एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो, दूसरी उसका अपोजिट क्या हो, पर्टिकुलर नेगेटिव, या फिर आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट देखे जहां एक पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो, दूसरा क्या हो उसका अपोजिट, यूनिवर्सल नेगेटिव, तो उन स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। सो जो फोर्थ रिलेशन है वो है सब अल्टरनेशंस। अब जैसे हमने कॉन्ट्रेरी देखा, सब कॉन्ट्रेरी देखा, कॉन्ट्राडिक्टरी देखा, यहाँ पे क्या होता है, इसकी कुछ ट्रूथ वैल्यू निकल के सामने आती है जो दो स्टेटमेंट्स होती हैं, है ना। कॉन्ट्रेरी में दो यूनिवर्सल अफर्मेटिव और पर्टिकुलर यूनिवर्सल नेगेटिव था, सब कॉन्ट्रेरी में पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव था, कॉन्ट्राडिक्टरी में यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव था, एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव था, इनके बीच रिलेशन थे। और यहाँ पे इसकी हम ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं फिर कि दोनों ट्रू होंगे फॉल्स होंगे या दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, तो इस तरह से हम देख रहे थे। बट जो सब अल्टरनेशन है यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, यहाँ पे सब अल्टरनेशन में बेसिकली तो सब कोई स्टेटमेंट सब अल्टरनेट कैसे होती हैं, जब कोई दो स्टेटमेंट्स क्वालिटी वाइज सेम हो बट क्वांटिटी वाइज अलग हो। मैंने क्या बोला, क्वालिटी वाइज सेम हो बट क्वांटिटीज वाइज अलग हो। जैसे हमने बोला ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल एंड सम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल्स, अब ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल ये भी अफर्मेटिव है और सम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल ये भी अफर्मेटिव है, तो क्वालिटी दोनों की सेम है बट एक जो है वो यूनिवर्सल है और दूसरी क्या है, पर्टिकुलर है। तो मतलब स्टेटमेंट जी सब अल्टरनेशन है, इन जो दो स्टेटमेंट है ना, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल्स एंड सम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, इनके बीच जो रिलेशन है वो क्या है, सब अल्टरनेशन का। सब अल्टरनेशन में बेसिकली होता क्या है, दोनों की क्वालिटी सेम होती है बट क्वांटिटी अलग होती है, जहां तो दोनों अफर्मेटिव होंगी जहां दोनों नेगेटिव होंगी, बट एक यूनिवर्सल होगी और एक पर्टिकुलर होगी। और जो यूनिवर्सल होता है, मतलब सब अल्टरनेशन में एक यूनिवर्सल होता है और एक पर्टिकुलर होता है, बट क्वालिटी दोनों की सेम होती है, जहां तो दोनों अफर्मेटिव होंगी जहां दोनों नेगेटिव होंगी। अब होता क्या है, जो यूनिवर्सल होता है उसे कहा जाता है सब
सुपर ऑल्टरन, सुपर ऑल्टरन SUPERALTERN, सुपर ऑल्टरन मतलब एक सब अल्टरनेशन में जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है उसे सुपर ऑल्टरन कहा जाता है, और जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है उसे कहते हैं हम सब ऑल्टरन SUBALTERN। क्लियर, तो यही था इसमें बेसिकली। सो स्केयर ऑफ अपोजिशंस में हमने चार रिलेशन देखे हैं, ए और ई के बीच जो रिलेशन बनता है वो कॉन्ट्रेरी का रिलेशन है, आई और ओ के बीच जो रिलेशन बनता है वो सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन है, ए और ओ के बीच और आई और ई के बीच जो रिलेशन बनता है ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है, और ए और आई और ई और ओ के बीच जो रिलेशन बनता है वो सब अल्टरनेशन है। अब ए और ई के बीच जो रिलेशन बनता है वो कॉन्ट्रेरी है, और कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट कौन सी होती हैं, कोई भी दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं, और कॉन्ट्रेरी का अपोजिट क्या है, सब कॉन्ट्रेरी। यहाँ पे क्या होता है, दोनों एक साथ ट्रू तो हो सकती हैं बट दोनों कभी एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, और इनका तीसरा क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी, यहाँ पे ना तो कभी दोनों एक साथ ट्रू हो सकती है और ना ही कभी एक साथ फॉल्स। सो स्केयर ऑफ अपोजिशंस को अगर हम देखें इसकी यूजफुलनेस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सो स्केयर ऑफ अपोजिशन इज ए यूजफुल टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग द फोर वेज इन विच प्रपोजिशंस मे बी अपोज्ड, जैसे हमने देखा कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी एंड सब अल्टरनेशंस। क्लियर, सो बेसिकली होता क्या है, स्केयर ऑफ अपोजिशंस में अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं ए ई आई एन ओ, और अगर हम एक वेरिएबल की ट्रूथ वैल्यू दें बाकी की क्या हम इन्फर कर सकते हैं, यस। स्केयर ऑफ अपोजिशंस का बेसिक यही काम है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई और उसकी जो तीन अपोजिट्स हैं उसकी ट्रूथ वैल्यू आपको खुद निकालनी है। जैसे आपको ए की ट्रूथ वैल्यू दी गई है कि ए क्या है, ट्रू है, ए क्या था, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, अगर ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल ट्रू है तो नो ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल क्या हो जाएगा, फॉल्स, अगर ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल ट्रू है तो आई क्या होगा, सम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल्स, तो ये भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली ट्रू, बट इसका अपोजिट क्या है, ओ, सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट मॉर्टल, अगर ई फॉल्स है नेगेटिव वाला तो ओ भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, अगर आपको ई की वैल्यू दी गई है, सिर्फ स्केयर ऑफ अपोजिशन में सिर्फ ई की वैल्यू दी गई है, ई क्या है, ट्रू है, नो ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, ये ट्रू है, तो इसका अपोजिट क्या है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल्स, अगर कोई भी इंसान मतलब सारे इंसान मर जाते हैं ट्रू है, तो कोई भी इंसान मरता नहीं है वो क्या होगा, ट्रू, फॉल्स, सो नो ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल अगर ट्रू है तो ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो जैसे आई भी क्या था, अफर्मेटिव था, सम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा, और जो ओ है वो क्या था, पर्टिकुलर नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। क्यों ट्रू हुआ ये, क्योंकि ई ट्रू था, नो ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल अगर ट्रू है तो सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट मॉर्टल भी ट्रू होगा, और जो दोनों अफर्मेटिव थे वो दोनों के दोनों क्या हो गए, ट्रू हो गए। जैसे आई अगर गिवन है हमें, आई क्या है, ट्रू है, सम ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, कि थोड़े इंसान मर जाते हैं अगर ये ट्रू है, थोड़े इंसान चोर होते हैं, थोड़े इंसान झूठे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कुछ लोग झूठ बोलते हैं, तो अगर ये ट्रू है तो कोई भी झूठ नहीं बोलता, ये फॉल्स हो जाएगा सीधा सीधा, और कुछ लोग झूठ बोलते हैं, इसके बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि सारे लोग झूठ बोलते हैं, इसलिए ए क्या है, अब ए की वैल्यू आप ट्रुथ डिटरमाइंड नहीं कर सकते, ये अनडिटरमाइंड हो जाएगा। हमने क्या बोला था यहाँ पे, आई क्या था कि सम ह्यूमन बींग्स आर लायर्स, सम ह्यूमन बींग्स आर लायर के बेसिस पे आप ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर लायर्स, इसलिए आप आई के बेसिस पे ए की ट्रुथ वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, जहाँ सम ह्यूमन बींग्स आर लायर्स हैं, और ये नहीं बोल सकते कि सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट लायर्स, इसलिए यहाँ पे जो ई है वो तो फॉल्स है बट ए और ओ की वैल्यू आप डिटरमाइंड नहीं कर सकते। तो इसी तरह से क्या होता है, जैसे नीचे वैल्यूज दी गई हैं उन सब की वैल्यूज को हम इसी तरह देख सकते हैं। क्लियर, क्या एक वैल्यू दी गई है और बाकी तीन वैल्यूज हम खुद डिटरमाइन कर सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट स्केयर ऑफ अपोजिशंस। तो बेसिकली हमने स्केयर ऑफ अपोजिशन में क्या देखा, पहले हमने एक फिगर ली जिसे हम स्केयर कहते हैं, स्केयर क्या होता है, जिसकी चार साइड्स हों और 90 डिग्री के इसके एंगल होने चाहिए। क्लियर, वहाँ पे हमने क्या किया, जो चार हमारे पास कैटेगोरिकल प्रपोजिशन हैं उनको यूज करके हमने स्केयर ऑफ अपोजिशन क्रिएट किया, ए ई आई ओ, क्लियर, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव, देन हमारे पास चार रिलेशन डेवलप हो गए, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी एंड सब अल्टरनेशंस। देन हमने चारों के बीच देखा एक्चुअल में कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट कौन सी होती हैं जो कभी भी दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती बट दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं, और ये कौन सी स्टेटमेंट होती हैं, क्वांटिटी इनकी सेम होती है, क्वालिटी में डिफर करती हैं।
दोनों यूनिवर्सल होती हैं, बट एक अफर्मेटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। अगर हम सब कॉन्ट्रेरी में देखें, यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी दोनों की सेम होती है, दोनों पर्टिकुलर होती हैं, बट क्वालिटी इनकी भी अलग अलग होती है, एक अफर्मेटिव होती है और एक नेगेटिव। यहाँ पे होता क्या है, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, बट दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं। और अगर हम कॉन्ट्रडिक्टरी की बात करें ए और ओ की और आई और ई की, यहाँ पे क्या होता है, इनकी क्वांटिटी भी अलग होती है और क्वालिटी भी अलग होती है। अगर एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगी तो दूसरी पर्टिकुलर नेगेटिव होगी, अगर एक पर्टिकुलर अफर्मेटिव है तो दूसरी क्या होगी, यूनिवर्सल नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, ना तो दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं, ना ही दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं। तो फोर्थ हमने देखा था सबअल्टरनेशंस, यहाँ पे क्या था, ए और आई और ई और ओ, यहाँ पे जो ए होता है उसको बोला जाता है सुपर अल्टरनेंट, और जो आई होता है उसे बोला जाता है सब अल्टरनेंट, ई को भी सुपर अल्टरनेंट और आई को ओ को सब अल्टरनेंट। क्लियर, यहाँ पे क्या रहता है, दोनों की क्वालिटी सेम होती है बट क्वांटिटी अलग होती है। अगर एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव है तो दूसरी पर्टिकुलर अफर्मेटिव होगी, अगर एक यूनिवर्सल नेगेटिव है तो दूसरी पर्टिकुलर नेगेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।